हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर। दोस्तों अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर दोस्तों ये है हमारी एजुकेटर टीम जो लगातार आपका मार्गदर्शन कर रही है, लगातार आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर कराने का प्रयास कर रही है। और इसी के साथ साथ जी बिल्कुल शुभम तिवारी जी, स्वागत है आपका। शुभम तिवारी, दीप जी शुक्ला, दीप शुक्ला जी स्वागत है आपका। और जहाँ पर दोस्तों देखिए, यदि हम बात करें अनअकैडमी की, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जहाँ पर दोस्तों यदि आपका टारगेट एमपी से संबंधित एग्जाम या कोई भी एग्जाम है तो आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, शैलेंद्र सिंह स्वागत है आपका, जय हिंद दोस्तों। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, वहां आपको कैटेगरी आइकॉन्स में सिलेक्ट करना है स्टेट पीएससी, और स्टेट पीएससी में भी आप सिलेक्ट करेंगे एमपी पीएससी एंड व्यापम। जैसे ही दोस्तों आप एमपी पीएससी एंड व्यापम सिलेक्ट करेंगे, आपको देखिए अनअकैडमी के जितने भी एमपी पीएससी और व्यापम कैटेगरी के एजुकेटर्स हैं वे देखने को मिलेंगे, जहां दोस्तों आपको सर्च करना है वैशाली दुबे। वैशाली दुबे को आप फॉलो कर लें, और साथ ही साथ मेरे जो जितने भी लेक्चर हैं वे सभी आपको मिल जाएंगे। देखिए यहां पर फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में अंतर क्या होता है कि यहां पर आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। नवीन विश्वकर्मा जी स्वागत है, पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ आपके देखिए 150 एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से 150 प्लस एजुकेटर आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर आपके हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग देखिए यहां पर टॉप एजुकेटर टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, लगातार लगी हुई है आपके हर एक सब्जेक्ट को बताने में। साथ ही साथ देखिए आप नई फीस, क्योंकि फीस जो अनअकैडमी की फीस जो है वो बढ़ गई है, लेकिन ये जो फीस है वो आज भी आपकी ओल्ड फीस पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये था कि 15 अक्टूबर के बाद फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, फीस जो है वो न्यू प्राइजेस आपके लागू होंगे। लेकिन दोस्तों स्टूडेंट्स के कहने पर ही अभी इसे यथावत रखा गया है, जहां पर 20 तारीख से देखिए 20 अक्टूबर और नवम्बर भी चलेगी ये क्लास, भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग रहेगी आपकी 5 से 6 आपकी। देखिए मैं इसको यूनिट वाइज पूरा कंप्लीट कराऊंगी, विथ यूनिट वाइज हम इसको कवर करेंगे अर्थव्यवस्था। और कोड याद रखें, देखिए कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, और कोड याद रखें वैशाली 10 8989920864 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए आप देख सकते हैं कि जो अनअकैडमी की जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि यदि आज भी आपका टाइम है, आज आपके रात के 9 बजे तक आपके पास टाइम है, आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर दोस्तों पुरानी सब्सक्रिप्शन फीस ही आपकी लागू होगी कि 1 साल की दोस्तों सब्सक्रिप्शन फीस है मात्र 6,300 और 2 साल की सब्सक्रिप्शन फीस है 5,760 रुपये। ये 2 साल की, यदि आप देखिए यदि पर मंथ का कॉस्ट देखें तो मात्र 315 रुपये पर मंथ की कॉस्ट है, जबकि हम देखिए 1 साल की पर मंथ की कॉस्ट देखें तो 525 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप अनअकैडमी पर एमपी पीएससी प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। कोड याद रखें वैशाली 10, कोड याद रखें जी प्रीति ठाकुर जी स्वागत है, जय हिंद। कोड याद रखना है वैशाली 10। कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से देखिए कांच के बारे में कि कांच का निर्माण जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो कांच का निर्माण सबसे पहले मिश्र में हुआ था, और जहां पर कांच का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, Na2 into CaO into 6 SiO2, अर्थात कांच हम पढ़कर आए थे कि सिलिका का सोडियम कार्बोनेट का, साथ ही साथ हम पढ़कर आए थे कि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, मिश्रण होता है, जहां पर इसे उच्च तापमान पर इन तीनों को मिलाकर पिघलाया जाता है और कांच का निर्माण किया जाता है। कांच के बारे में हमने प्रकार देखे थे कि सोडा कांच, ये एक मृदु कांच है। सोडा कांच की बात की थी तो सोडा कांच जिसके कारण क्या होता है, जो नॉर्मल बॉटल्स बनती हैं, ट्यूबलाइट बनती हैं, कांच के जो बर्तन बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, सोडा कांच के कारण।
नेक्स्ट हमने बात की थी पोटाश कांच की, और पोटाश कांच का उपयोग पढ़कर हम आए थे कि यहाँ पर जितने भी लाइब्रेरी में जो बीकर वगैरह होते हैं, परख नली होती है, जितने भी उपकरण हैं प्रयोगशाला के उपकरण, देखिए मेरी अनअकैडमी पर मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे क्लास होती है। नवीन जी, नवीन विश्वकर्मा जी, मेरी सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास होती है एमपी पॉलिटी, और एमपी पॉलिटी अभी देखिए लगभग खत्म होने वाला है, इसकी अभी एक क्लास दो क्लास और बची है, पुलिस प्रशासन कवर करना है, और पुलिस प्रशासन के बाद हम पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यूज की प्रीलिम्स में, एसआई में, कांस्टेबल में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने क्लास भी अटेंड नहीं की तो एमसीक्यूज भी अटेंड कर लें, तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको एमसीक्यूज कवर कराती हूँ। कोई भी आप मेरी क्लास देखेंगे तो एमसीक्यूज मैं विद एक्सप्लेन करते हुए कवर कराती हूँ, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। आगे की बात करते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि जो धूप के चश्मे बनते हैं वो फोटोक्रोमेटिक कांच के बनते हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये जो है यूवी प्रकाश में काला हो जाता है, अर्थात जो पराबैंगनी किरणें जो है जब इस पर पड़ती हैं यूवी रेस के कारण ये क्या हो जाता है, काला हो जाता है, जिसमें AgCl का मिश्रण जो है वो मिलाया जाता है, कोडिंग होती है AgCl की। इसके अलावा हमने कल देखा था पायरेक्स, और पायरेक्स है कि ताप का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रयोगशाला के उपकरण जो बड़े बड़े उपकरण बनते हैं प्रयोगशाला में, और आपने देखा होगा कि जो जीव जंतु है उनके लिए भी एक सुरक्षित रखने के लिए देखा होगा आपने कवर होता है, कोडिंग होती है कांच का, वो भी किसका बनता है, पायरेक्स कांच का ही बनता है, और जबकि बीकर वगैरह है वो पोटाश कांच के बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं फ्लिंट कांच की, तो फ्लिंट कांच की बात करते हैं तो ये जो है बल्ब बनाए जाते हैं, फ्लिंट कांच के माध्यम से बल्ब बनाए जाते हैं, लेंस जो है वो फ्लिंट कांच के बनाए जाते हैं, जबकि सबसे मजबूत या सबसे कठोर बोलना चाहिए सबसे मजबूत कांच होता वो होता है जैना कांच। ये कल हम पढ़ चुके थे, थोड़ा सा रिविजन करेंगे, फिर आज फाइबर्स पढ़ते हैं, रेशे पढ़ते हैं। फिर जैना कांच जो सबसे मजबूत होता है, अम्ल क्षार की बॉटल्स वगैरह इसकी बनाई जाती हैं, साथ ही साथ देखिए अम्ल हो गया, क्षार हो गया, शराब वगैरह है, इसकी भी बॉटल जैना कांच की बनी होती है, देखा होगा एक बार टूटने पर भी नहीं टूटती है। क्रुक्स कांच की बात करें तो नेत्र दोषों के जो चश्मे बनते हैं उनके लेंस बनाने में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो लेंस बनता है ना नेत्र दोषों में चश्मे का जो लेंस बनता है वो क्रुक्स कांच का बनता है, जबकि क्वार्ट्ज कांच का क्या बनता है तो प्रयोगशाला के बल्ब बनाने में, और विभिन्न प्रकार के जो लैंप बनती है लैंप बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, यूवी लैंपों का बल्ब बनाने में भी क्वार्ट्ज कांच का प्रयोग किया जाता है। ये कल हम पढ़कर आए थे, कौन सा कंटेंट कौन सा रंग देता है, ये कौन सा एलिमेंट कौन सा रंग देता है कांच को, हमने ये भी देखा था, क्योंकि साधारणतः कांच जो है वो सफेद है, हमने देखा था कार्बन जो है वो ग्रे देता है, निकेल या मैंगनीज ब्लैक देता है, और हमने विभिन्न प्रकार के ऐसे रंगों के बारे में कल हमने देखा था, और बहुत सारे कांचों के बारे में भी हम पढ़कर आए थे कि बुलेट प्रूफ कांच क्या होता है, वाटर कांच क्या होता है, ग्राउंड ग्लास क्या होता है। आज से देखते हैं हम रेशों के बारे में। आपने देखा होगा रेशे अर्थात फाइबर, ये टॉपिक देखिए वैसे तो साधारणतः कोई स्टूडेंट, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ते भी हैं, और कई ऐसे देखिए बहुत कम लोग इसको पढ़ाते भी नहीं है। तो रेशे आखिरकार, ये आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको केमिस्ट्री में क्यों लेकर आई हूँ, तो इसके दो कारण हैं। यदि आप देखेंगे दैनिक उपयोग, यदि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए यूनिट वाइज हम चूंकि सिलेबस को पढ़ रहे हैं, यदि आप इकाई 2 अर्थात यूनिट सेकंड में दैनिक जीवन में रसायन देखेंगे तो दैनिक जीवन के रसायन के अंतर्गत ये क्या आता, फाइबर्स आता है ना। आगे की बात करते हैं, आपने देखा होगा रेशे या फाइबर्स की सुतली सबने देखी होगी, नायलॉन की रस्सी सबने देखी होगी, या दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर सबने देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कागज तो सबने ही देखा होगा। रेयॉन के बारे में बात करते हैं तो आपने जो टूथ ब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, उसके जो रेशे हैं वो किससे बनते हैं, तो वो भी एक क्या है, फाइबर का ही उदाहरण है, जहां पर रेशे एक क्या होता, धागे नुमा लंबी संरचना होती है जो दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता अर्ध संश्लेषित सेमी प्रोसेस्ड। अर्थात यहाँ पर देखिए एक जो है वो प्रकृति में होता है, प्रकृति से मिलने वाले रेशा होता है, जैसे कि हम बात करते हैं सेल्यूलोज की,
जो देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे हम पढ़कर आए थे बायोलॉजी में कि कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति और सेल वॉल के बारे में हम पढ़कर आए थे कि प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं होती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये हम पढ़कर आए थे कि जंतु और प्राकृतिक रेशा है, ये जो नेचुरल फाइबर है ये जंतु एवं पौधों से प्राप्त किया जाता है, और जंतु एवं पौधों से प्राप्त होने वाला जो रेशा होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। साथ ही साथ यदि हम इसकी बात करें तो सेल्यूलोज की बड़ी संख्या में ग्लूकोज से मिलने वाले रेशे होते हैं जिसके द्वारा कागज, ध्यान से समझेंगे, जिसके द्वारा कागज और टेक्सटाइल उद्योगों में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ऊन हो गया, रेशम है जो जंतु से प्राप्त होता है, रेशम हम जानते हैं है ना। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जूट, पटसन, ये सन नहीं है, ये पटसन का रेशा है, पटसन, पटसन हो गया, जूट हो गया, कपास है, ये किससे प्राप्त होती है, पेड़ों से प्राप्त होते हैं, और काफी मात्रा में देखिए क्या होता है, ये सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज से बनने वाले रेशे होते हैं जिसका प्रयोग कागज और टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है। दूसरा आता है अर्ध संस्कृत रेशा। अब प्राकृतिक रेशों को ही जब हम क्या करेंगे, इनका देखिए प्राकृतिक रेशों को ही हम कुछ केमिकल्स के माध्यम से पर सिंथेटिक उसको रूप देंगे या सेमी सिंथेटिक फाइबर्स का रूप देंगे, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। आता है रेयॉन। देखिए ये काफी बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, जो सामान्यतः हम इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये जो ऊन और रेशम होते हैं ना, हम पढ़कर आए कि प्राकृतिक रेशे, ये प्रोटीन युक्त रेशे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटीन युक्त तत्व होते हैं ऊन तथा रेशम में, जबकि प्राकृतिक या सेमी सिंथेटिक रेशा के अंतर्गत आता है रेयॉन। जब सिंथेटिक रेशा क्या कहलाता है, जब प्राकृतिक रेशों को ही कुछ केमिकल इनमें केमिकल मिला दिया जाता है, कुछ रसायन इनमें मिला दिए जाते हैं और जो रेशा बनता है वो सिंथेटिक फाइबर कहलाता है, जिन्हें नवीनीकृत रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीनीकृत। अब भैया नवीन है ना, एकदम बिल्कुल नया है। अब आपने देखा होगा जो कपड़े बनते हैं, कपड़े भी क्या है, तो कपड़ा हो गया, कॉलीन हो गई, कॉलीन है, टायर है, शल्य चिकित्सा संबंधी जो पट्टियां वो किससे बनती है, रेयॉन से बनती है। ये किससे बनती है, रेयॉन से बनती है, ये कैसा है, इसे नवीनीकृत रेशा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इसे नवीनीकृत रेशा भी कहा जाता है। अब एक देखिए, एक थर्ड होता है संश्लेषित। अभी हमने क्या देखा, एक होती है, पर तीन टाइप के होते हैं, टू टाइप नहीं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पहला हमने क्या बात की कि सबसे पहले नेचुरल फाइबर होता है, एक होता है सेमी, एक होता है सेमी सिंथेटिक फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। ये तीन प्रकार है रेशों के, प्राकृतिक रेशा, अर्ध संश्लेषित रेशा और संश्लेषित रेशा, जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि रेयॉन क्या है, तो दोस्तों रेयॉन अर्ध संश्लेषित रेशा है, सेमी सिंथेटिक रेशा है, जिसे नवीनीकृत रेशा भी कहा जाता है। जब अभी अभी हम पढ़कर आए ना, इसे जो क्या बनते, कपड़े हैं, शल्य चिकित्सा की जो व्हाइट कलर की पट्टी होती है वो किसकी बनती है, रेयॉन की बनती है, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे नायलॉन। हम जानते हैं कि कृत्रिम रूप से सबसे पहले जो बनने वाला रेशा था वो नायलॉन ही था, सबसे पहले जिसको कृत्रिम रूप से बनाया गया था प्रयोगशाला में, हम जानते हैं वो क्या था, नायलॉन ही था। और टूथ ब्रश बनाने में मछली पकड़ने की जाली, मछली पकड़ने की जाली बनाने में, रस्सियां बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे। एक होता पॉलीएस्टर। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, पॉलीएस्टर की बात कर रहे हैं। तो पॉलीएस्टर देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि पॉलीएस्टर का जो प्रयोग है वो बुल बनाने में होता है और इसका ही जो रेशा है वो किसमें होता है, अग्निशामक में प्रयुक्त पानी की पाइप जो बनती है, ट्यूब जो फायर ब्रिगेड में, तो वो उसकी किससे बनती है, तो पॉलीएस्टर से बनती है।
नायलॉन का प्रयोग टूथब्रश बनाने में, रस्सी बनाने में, मछली पकड़ने के जाल बनाने में होता है, जबकि पॉलीएस्टर का प्रयोग कपड़े, अग्निशामक में प्रयुक्त जो पाइप होती है उसको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बन रेशा, जो एक सिंथेटिक रेशा का ही प्रकार है। मुझे ये सब बता दें, अभी इतना समझ में आया, याद होता जा रहा है? मुझे जरा बता दें कि अभी कोई डाउट तो नहीं है, इतना मतलब याद होता जा रहा है? तो फिर हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है ये। फाइबर के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है, नवीनीकृत रेशा किसे कहा जाता है? तो रेयॉन को नवीनीकृत रेशे के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार का सेमी सिंथेटिक रेशा होता है। मुझे बताएं क्लियर है ये? क्लियर है तो फिर हम आगे की बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, सब क्लियर है? क्लियर है प्रीति? यस मैम, स्टडी विद सक्सेस, क्लियर है। आगे की बात करते हैं। एक होता रेशा जो अंतरिक्ष यान के पुर्जे होते हैं, खेल कूद का सामान होता है, वो कार्बन रेशे के बनते हैं। जबकि हम बात करें आर्लॉन, तो ऊन के स्थान पर, देखिए कई बार ऐसे है कि जब जो कंबल बनते हैं, हम जानते हैं कि ऊन के बनते हैं, जो कंबल होते हैं वो किसके बनते हैं? ऊन के ही बनते हैं, भेड़ की ऊन के बनते हैं ना। लेकिन ऊन के स्थान पर यदि ऊन नहीं है तो आर्लॉन का भी प्रयोग किया करते हैं। आर्लॉन का भी क्या किया जाता है? ये एक प्रकार का रेशा है। तो क्वेश्चन ये भी आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशा नहीं है? तो अधिकतर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, अधिकतर ये आंसर दे देते कि ऑर्लॉन नहीं है। तो ऑर्लॉन भी एक रेशा होता है, जिसका प्रयोग स्वेटर बनाने में या कंबल बनाने में, खासकर कि कंबल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे की बात करते हैं, संश्लेषित रेशों के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट क्या है आखिरकार सिंथेटिक फाइबर के, है ना? तो देखिए यहाँ पर आखिरकार दिक्कत क्या है, आगे की बात करते हैं जी। क्या डाउट है? गुड गेमिंग, गॉड गेमिंग जी, क्या सब, क्या दिक्कत है? इट्स डाउट, क्या दिक्कत है ना? तो देखिए यहाँ पर जब हम सिंथेटिक रेशे की बात करते हैं, तो सिंथेटिक रेशे आखिरकार देखिए ये कम महंगे होते हैं। आपने देखा होगा जैसे नायलॉन, जैसे हम बात करते हैं नायलॉन की रस्सी वगैरह भी बनती है, टूथब्रश होते हैं, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या है, कम महंगे होते हैं। बेनिफिट क्या है? प्रयोगशाला में बनाए जा रहे हैं। ये क्या है? संश्लेषित अर्थात सिंथेटिक, प्रयोगशाला में बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक रेशों की तुलना में जल्दी, जैसे जूट हो गया, पटसन हो गया, जूट है, पटसन है, कपास है, इनकी तुलना में कैसे होते हैं, जल्दी क्या हो जाती है, सूख जाती है, कम इनमें कम अधिक चलाव होते हैं, मतलब ज्यादा दिन तक चलते हैं, साथ ही साथ महंगे कम होते हैं, प्रयोगशाला में आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये पहला उपयोग हो गया। दूसरे उपयोग की देखिए हम बात करते हैं, तो इनकी लेकिन इनकी हानियां भी हैं कुछ। संश्लेषित रेशों से यदि आपको ये एक तीन नंबर में लिखने को आ जाए, संश्लेषित रेखा, संश्लेषित रेशा, तो कम से कम आप तीन नंबर में लिख तो पाएंगे। सबसे नायलॉन हो गया, आर्लॉन हो गया, नायलॉन हो गया, ऑर्लॉन हो गया, पॉलीएस्टर हो गया, पॉलीएस्टर, कार्बन रेशा, ये किसके प्रकार है? तो संश्लेषित रेशे के प्रकार है। फिर उसके बाद एक जल्दी से क्या लिख देंगे, लाभ, कि ये क्या होती है, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम महंगी होती है। और इनकी एक हानि, क्योंकि ये संश्लेषित रेशे ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करते हैं और गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं। नायलॉन की रस्सी सबसे अच्छा उदाहरण है। टूथब्रश जला के देखो, पिघल जाएगा। टूथब्रश हो गया, रस्सी हो गई, इन्हें गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसी वजह दोस्तों, यही कारण है कि जब रसोई घर में, जब हम किचन में काम करते हैं तो या प्रयोगशाला में काम करते हैं या रसोई घर में काम करते समय सिंथेटिक रेशों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, आग पर इनका प्रभाव पड़ता है, मतलब गर्म करो और ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशे जो ऐसे होते हैं वो तुरंत के तुरंत नहीं जलते, इनकी अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, है ना? तो ये एक बात। दूसरी बात देखिए, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कि यहाँ पर हम बारे में, अर्थात यहाँ पर देखिए हम कुछ एंटीसेप्टिक औषधियों ने जा रहे हैं। एंटीसेप्टिक औषधियां आखिरकार ड्रग्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और थोड़ा सा ध्यान से इनको सुन लें। आखिरकार हम बात करते हैं ड्रग्स की या औषधियों की, तो कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जो क्या करती हैं, आपने देखा होगा कि ये आज की बात नहीं है,
ये आज की बात नहीं है, करोड़ों वर्ष पहले भी, लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी, जब डॉक्टर नहीं थे, शल्य चिकित्सा के द्वारा ही, देखा होगा अरस्तु का नाम कितना है, सुश्रुत का नाम कितना है, इन्हें क्या है, ये शल्य चिकित्सा के माध्यम से रोगियों को ठीक किया करते थे। आखिरकार कैसे? तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं औषधि की या ड्रग्स की। तो कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जिनका प्रयोग रोगों के इलाज में किया जाता है, और ऐसे पदार्थ, ड्रग क्या होती है, औषधि की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ जो किसी रोग के, क्या लिखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ साथ साथ लिखते चले, ये आपको पीपीटी में नहीं मिलेगा, के लिए जो किसी रोग को रोकने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए तथा उसका उपचार करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वे क्या कहलाती हैं, औषधियां कहलाती हैं। औषधि सभी जानते हैं, सभी ने खाई होगी, सभी ने यूज किया होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कि कुछ ऐसे पदार्थ जो किसी रोग को रोकने के लिए, उपचार करने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वे औषधियां कहलाती हैं। और औषधियों का वर्गीकरण जो है ये बहुत प्रकार से किया गया है, जबकि दोस्तों हम बात करते औषधि का वर्गीकरण 9 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? औषधियों का वर्गीकरण 9 प्रकार से किया गया है कि एक प्रति ज्वरनाशी होती है, एक पीड़ाहारी अलग होती है, प्रतिजैविक अलग होती है, निषेध तक अलग होती है, प्रशांतक होती है ना, अति अम्ली होती है, सल्फा ड्रग होती है। इस प्रकार से 9 प्रकार की औषधियों के बारे में हमें पढ़ना है, और ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करते हैं औषधियों की, तो पहला जिसमें हम बात करते हैं पीड़ाहारी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन का प्रयोग जानते हैं कि कोडीन और मॉर्फिन है, अफीम के द्वारा ही, पेपेवर सेमनिफेरम के द्वारा ही, अफीम के द्वारा ही ये मॉर्फिन, और यहाँ पर कोडीन नामक जो आपने देखा होगा हीरोइन का नाम सुना है, हीरोइन का, ये क्या है, ड्रग है, हीरोइन नहीं बोल रहे, हीरोइन बोल रहे, ड्रग है, हीरोइन क्या है, तो ध्यान से सुने, ये क्या है, एक प्रकार का ड्रग है, जो कैसा ड्रग है, पीड़ाहारी ड्रग है। और देखिए यहाँ पर एनॉल गैसेस की बात करती है कि ऐसी दवाइयां जो क्या करती है, दर्द निवारक के तौर पर, पेन किलर के तौर पर या पीड़ाहारी के तौर पर हम लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा एस्प्रिन लेते हैं कि नहीं लेते, जैसे कि हम बात करते हैं कि एनाल्जिन लेते हैं, ये टैबलेट होती है एनाल्जिन, या दोस्तों हम बात करते हैं कि ब्रूफिन का प्रयोग भी अब तो बंद होने को आया, ब्रूफिन लेते थे पहले, ये क्या है, देखा होगा आपने, है ना। तो इनमें भी दोस्तों पीड़ाहारी में भी कुछ मात्रा में ड्रग मिला होता है, जिसमें मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है, और ये एक प्रकार का एल्कोलाइड है, ये क्या है, एक प्रकार का एल्कोहल होता है, एक प्रकार का एल्कोलाइड होता है, जिससे देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, इस वजह से क्योंकि इसे नार्कोटिक्स की श्रेणी में भी रखा जाता है, मॉर्फिन को वैसे इसका जो प्रतिबंधित है ये, लेकिन कुछ दवाइयों में, कुछ पीड़ाहारी में जो दर्द निवारक होती है, रोगों को ठीक करने के लिए इसमें दिया जाता है। देवकी नंदन जी स्वागत है आपका, जय हिंद। तो देखिए साथ ही साथ मॉर्फिन के अलावा हेरोइन नामक भी ये क्या है कि नार्कोटिक्स होते हैं, और कुछ नार्कोटिक्स जैसे कि हम बात करते हैं मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, इनका प्रयोग किस तौर पर किया जाता है, पीड़ाहारी के तौर पर किया जाता है, और इनके कारण ही क्या आती है, व्यक्ति को जैसे ही ये दे दी जाती है तो नींद आ जाती है, और हम कहते हैं कि आराम लग गया, क्योंकि इनमें किसकी कोडिंग होती है, मॉर्फिन की इनमें कुछ मात्रा में और हेरोइन, और एक और ड्रग याद रखना है कि मरिजुआना, जैसे मॉर्फिन होता है ना, हीरोइन होती है, वैसे क्या मरिजुआना, ये भी क्या है, एक ड्रग है, ये भी क्या एक ड्रग होता है, जैसे अब आगे हम पढ़ेंगे सल्फा ड्रग अलग है, ये पीड़ाहारी की बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद दोस्तों हम दूसरी बात यहाँ पर करते हैं
कि आखिरकार एंटीसेप्टिक दवाइयां क्या होती, एंटीसेप्टिक क्या होती है। ये देखिए, ये रेशे के साथ ही मैं सोच रही हूँ इसको कवर करा दूं, क्योंकि फिर हमारी केमिस्ट्री में देखिए बॉन्डिंग वगैरह बस हमें पढ़नी रहेगी। इसके अलावा बहुत जैसे कुछ कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी तो हमारे सभी खत्म ही हो चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ऐसी होती है जो देखिए किसका नाश करती है, तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीवों का नाश करती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। ये मानव को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती। जितनी भी एंटीसेप्टिक दवाइयां होती हैं, है ना, एंटीसेप्टिक दवाइयां जैसे कि जो जिनका प्रयोग त्वचा पर लगाने के लिए किया जाता है, आपको खून निकल रहा है और इनमें ही आपने देखा होगा कि इनमें ही जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ एंटीसेप्टिक की दवाइयों की बात करते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे डिटॉल की बात करते हैं, डिटॉल हो गया, क्लोरोमीन हो गया, मर्क्यूरोक्रोम हो गया, ये क्या है, दवाइयों के नाम है, मर्क्यूरोक्रोम हो गया, डिटॉल हो गया, ये कैसी दवाइयां होती है, एंटीसेप्टिक दवाइयां होती हैं जो सूक्ष्म जीवों का नाश करती हैं और शरीर में ये किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती। जबकि जितनी भी जो देखिए पीड़ाहारी दवाइयां होती हैं, जितनी भी पीड़ाहारी दवाइयां होती है तो ये क्या करती है, एनाल्जेसिक होती है, वो क्या करती है, दवाइयों के रूप में लेते हैं लेकिन हानि पहुंचाती हैं। प्राचीन काल में प्रतिरोधी के तौर पर, एंटीसेप्टिक के तौर पर सिरके का प्रयोग, डिटॉल हो गया, क्लोरोमीन हो गया, मर्क्यूरोक्रोम हो गया, आयोडीन है, टिंचर आयोडीन है, इनका प्रयोग एंटीसेप्टिक के तौर पर किया जाता है। तुरंत लग गया और तुरंत कहते हैं अरे डिटॉल से साफ कर लो, एंटीसेप्टिक का क्या करता है, काम करता है। हाँ, सेवलॉन वैसे तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन देखिए आगे की बात करते हैं। फिर उसके अलावा देखिए आपको याद रखना है कि साबुन को प्रतिरोधी का गुण बनाने के लिए थायोथायोनल एक विशेष प्रकार का ड्रग है जिसका प्रयोग साबुन को प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जाता है। यार आप एक बात खुद सोचो कि साबुन लगा रहे हमारी बॉडी में कितने सारे, यहाँ पर देखिए जम से कितने सारे क्या है हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया है, और इन्हीं को ही क्या करने के लिए, प्रतिरोधी गुण बनाने के लिए, साबुन को प्रतिरोधी का गुण देने के लिए ही क्या किया जाता है, यहाँ पर थायोथायोनल का एक ड्रग होता है जो मिला देते हैं हम साबुन में, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे की बात करते हैं एंटीबॉडीज, ये क्या थी, एंटीसेप्टिक, और अब बात करते हैं प्रतिजैविक, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, इनका विनाश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटीसेप्टिक भी सूक्ष्म जीवों का विनाश करती थी, यदि हम बात करते हैं एंटीबॉडीज ये भी सूक्ष्म जीवों का क्या करती है, प्रतिजैविक की बात करते हैं ये भी सूक्ष्म जीवों का विनाश करती है। और यदि हम बात करें, आपने सभी ने नाम सुना होगा पेनिसिलिन, जो क्या है, एक एंटीबॉडी है, वर्ष 1928 में ए फ्लेमिंग के द्वारा जिसका क्या किया गया था, खोज की गई थी, पेनिसिलिन की खोज की गई थी जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि टेट्रासाइक्लोविन, जेंटामाइसन का इंजेक्शन लगा होगा, कभी ना कभी देखा होगा, जेंटामाइसन का तो नाम सुना होगा, ट्रेप्टोमाइसन का नाम सुना होगा, चलो ट्रेप्टोमाइसन का नाम नहीं सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन का नाम सुना होगा, चलो ये दोनों नाम नहीं सुने, जेंटामाइसन तो सभी ने सुना होगा, या रिफामाइसिन, ये जितने भी ये क्या है, ये देखिए चाहे वो टेट्रोमाइसन हो, टेट्रासाइक्लिन हो, जेंटामाइसन हो, रिफाइमाइसन, जेंटामाइसन का प्रयोग तो टाइफाइड में भी किया जाता, टाइफाइड जिसको हो जाता उसमें इंजेक्शन पहले किया जाता था, है ना, और आज भी कुछ लोग जो है डॉक्टर वगैरह इसका प्रयोग करते भी हैं। बहुत पुराना ड्रग है ये, क्या है, क्योंकि एंटीबॉडीज के तौर पर काम करती है। और हम जानते हैं एंटीबॉडी प्रतिजैविक का काम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। यदि बॉडी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक दिया जाएगा, है ना, यहाँ पर बैक्टीरिया को रोक दिया जाएगा, तो यहाँ पर वो एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, एंटीबॉडीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो पेनिसिलिन है वो कवक से प्राप्त हुई थी, हम पढ़कर भी आए थे, कवक में भी देखा था हमने लार्मेनिया करके, है ना। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम जो एंटीबायोटिक की खोज की थी उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था, और पेनिसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त की जाती है, टेट्रोमाइसन, टेट्रामाइसन, जेंटामाइसन और रिफाइमाइसन, रिफामाइसन क्या है, प्रतिजैविक का प्रमुख उदाहरण है।
नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं निश्चेतक की। तो ये क्या होता है, निश्चेतक क्या होता है? संवेदना को कम करने के लिए, अर्थात आपने देखा होगा संवेदना, संवेदी अंगों को बंद करने के लिए। कभी ना कभी जैसे आपने इसका प्रयोग देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म का, आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म जो है वो, ये मूवी में तो देखा ही होगा कि क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या करते हैं, बेहोश करने में काम में लाई जाती थी, है ना। CHCl3 क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, तो यही है वो निश्चेतक के तौर पर। क्योंकि संवेदी अंग, जैसे मान लो कि क्या करना है कि किसी भी प्रकार से दांत को निकालना है, दांत मान लो ये खराब हो गया और उस दांत को निकालना है, तो क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म या यहाँ पर किसी भी प्रकार के निश्चेतक का प्रयोग कर लेंगे, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, क्लोरोप्रोपीन हो या क्लोरोफोपीन हो, इन किया जाता है। जहां पर दोस्तों यदि बात करें विश्व के पहले निश्चेतक की, तो ये आपको याद रखना है कि देखिए पहला कौन था, तो पहला निश्चेतक डाइथाइल ईथर था जिसे विलियम मार्टिन के द्वारा बनाया गया था। जैसे पेनिसिलिन की खोज ए अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी वर्ष 1928 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था, जो एक प्रकार की एंटीबॉडी थी, प्रतिजैविक थी, जो कवक से प्राप्त हुई थी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यदि हम निश्चेतक की बात करें, तो एनासिंथेटिक की बात करें, तो ये कैसे होती है, डाई ईथर ईथर है, जो वर्ष 1846 में विलियम मार्टिन के द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म का प्रयोग भी किसके तौर पर किया जाता है, संवेदी अंगों को रोकने के लिए किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। जहां पर क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन लग जाता है तो वो जो अंग है वो शून्य हो जाता है। कई बार यदि लगा होगा, कई बार पता चला चोट लग गई है या ऑपरेशन करना है या दांत को निकालना है या कान में देखना है या किसी भी प्रकार की कोई दवाई डालनी है, तो संवेदी अंग को शून्य करने के लिए इसका। इसके साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जो वो हंसाने वाली गैस के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था नाइट्रस ऑक्साइड का यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में सेवन कर लेता, अधिक स्मेल इसकी ले लेता, तो व्यक्ति पागल हो जाता है और व्यक्ति मर भी सकता है। और जबकि इसका प्रयोग दोस्तों किस तौर पर भी किया जाता है, संवेदी अंग को शून्य करने के लिए भी किया जाता है। क्लोरोप्रोपीन हो गया, कोकीन है, इन सभी का प्रयोग। लेकिन हम बात करें शुद्ध क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, तो हार्ट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इसी कारण से शुद्ध क्लोरोफॉर्म को डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, इसके साथ देखिए 30% ईथर के साथ मिलाकर दिया जाता है। तो 70% बस यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म का और 30% इसका ईथर का प्रयोग करते हैं। ये आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आखिरकार देखिए अब बात करते हैं प्रशांतक की। तो कई ऐसे होते हैं जो डिप्रेस जो हो जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एकदम से मेंटलिटी उनकी देखिए, या मेंटल पेशेंट के अंतर्गत आ जाती है उनका, सोचते कुछ है मतलब साइजोफ्रेनिया के आने वाली स्थिति होती है जो डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन एक अलग चीज है और साइजोफ्रेनिया बिल्कुल एक अलग चीज है। और मेंटल पेशेंट है वो भी डिप्रेशन के बाद ही की अवस्था है ना, जो मेंटल प्रेशर पड़ता है, डिप्रेशन या मेंटल प्रेशर, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा ही क्या है, अंतर है। यदि दोस्तों हम साइजोफ्रेनिया की बात करते हैं, तो साइजोफ्रेनिया एक ऐसी दवा है, एक ऐसा रोग है जो युवा अवस्था में ज्यादा है। मतलब मेरी शादी जो है वो कैटरीना कैफ से हो रही है, ये साइजोफ्रेनिया है। व्यक्ति कल्पना में ही जीता है, ये एक ऐसा रोग होता है। जबकि दोस्तों आपने एक मूवी भी देखी होगी वो, है ना, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, कि बदला लेने के लिए कि ट्रेन में जो अच्छा खाना नहीं मिलता है वो खुद को भगवान समझ लेता है कि मैं क्या हूँ, भगवान ने मुझे बनाया है और मैं लोगों से जो है कि कोई भी काम यदि अच्छा नहीं होगा तो मैं खुद उसे ठीक करूंगा, मैं खुद उसे सजा दूंगा क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है, मैं ही भगवान हूँ। तो इस टाइप का ये रोग क्या कहलाता है, साइजोफ्रेनिया होता है। और साइजोफ्रेनिया होता है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से साइजोफ्रेनिया होता है कि यहाँ पर रहता है, और यदि उसे वास्तविकता से अवगत कराया जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, अलगाववादी हो जाता है, कमरे में बंद कर लेता है, दिनों कई दिनों तक खाना नहीं खाएगा, सामान फेंकेगा। ये क्या है, साइजोफ्रेनिया।
लेकिन दोस्तों हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन के बाद का जो एक अगला चरण होता है वो क्या होता है? मेंटल प्रेशर। एक मेंटल प्रेशर होता है और एक होता है डिप्रेशन। इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। मेंटल प्रेशर क्या होता है? मेंटल प्रेशर ये मतलब कि देखिए कि आपको सबको पता है ये किसी ना किसी से डिप्रेशन के आगे वाली स्थिति होती है, जहां पर व्यक्ति को देखिए कि ऐसे अंदरूनी तरीके से क्या है, कोई किसी भी प्रकार से कोई उसके दिमाग में एक ऐसा चल रहा है ना, अपरिचित। जी वेरी गुड, क्या बात है शुभम तिवारी जी, अपरिचित सही है मूवी का नाम था, है ना। मतलब मुझे दिमाग से निकला हुआ था, एक साउथ इंडियन मूवी भी ऐसी है, लेकिन साउथ इंडियन में तो भी दिमाग दोनों ही निकले हैं, लेकिन सामने आ रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है कि व्यक्ति जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिंता करता है, दबाव, जैसे कि वो क्या रहता है, मानसिक रूप से पागल हो जाता है, उत्तेजना हो जाता है, व्यक्ति हर किसी से झगड़ारू प्रवृत्ति का हो जाता है ना। तो ये मेंटल प्रेशर है, ये क्या है? मेंटल प्रेशर है। और जबकि डिप्रेशन किसी से बोलेगा नहीं, किसी से कुछ नहीं करेगा, और अंदर ही अंदर क्या करेगा, फिर उसके बाद वो पागल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साथ ही साथ हम बात करते हैं प्रशांतक, तो ये दो प्रकार की होती है, एक निद्रालु और एक अनिद्रालु। मतलब क्या होती है? इनको लेने से एक में नींद आ जाती है व्यक्ति को, जो मेंटल, देखिए यदि जो भी मानसिक रोगी है कि उन्हें एक नींद की दवा दे दी जाएगी। और अनिद्रालु मतलब कि उनकी उत्तेजना को कम करने के लिए कि सामान फेंक रहे तो वो सामान फेंकना बंद कर दे। तो इक्विनल और यदि हम बात करें कि मेप्रोबेमेट, ये ऐसी दवाइयां होती हैं मेप्रोबेमेट जो क्या करती, अनिद्रालु होती है, व्यक्ति की उत्तेजना को कम करने के लिए ही। यदि व्यक्ति पागल हो गया या उसे ज्यादा गुस्सा आ रही है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसे ये दवाइयां दी जाती है, इक्विनल, इक्वानिल, एक्वानिल या फिर दोस्तों मेप्रोबेमेट। जबकि बारब्यूट्रिक अम्ल और सैक्रोनल, सैक्रोनल बोरोनल, ये ऐसी दवाइयां दी जाती हैं, बोरोनल हो गया, सैक्रोनल हो गया। ये दवाइयां आमतौर पर मेडिकल वाले नहीं देते, क्योंकि ये किस प्रकार की होती है, निद्रालु होती है। और जब ज्यादा ही एक ऐसी स्थिति आ जाए कि अब तो भैया काम संभल ही नहीं रहा है, इन्हें सुलाकर सुलाना ही पड़ेगा, बहुत ही तोड़फोड़ कर रहे हैं, स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है, तब दी जाती है इस प्रकार की दवाइयां। और साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं संक्रमण नाशी, ये भी क्या करते हैं, रोगों को मारते हैं। जबकि फिनाइल जो है वो एक संक्रमण नाशी का ही एक क्या होता है, फिनाइल की दवाई है, वो क्या है, तो ये आपको याद रखना है। आप इतना सब कुछ याद रखेंगे, इसी के साथ सल्फर ड्रग क्या होता है, सल्फर ड्रग भी एक प्रकार की दवाइयां हैं जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन पाई जाती है, और ये अधिक कुछ दीवों के लिए अधिक प्रभावशाली होती है सल्फर ड्रग। लेकिन देखिए यहाँ पर सल्फर ड्रग खास करके निमोनिया, जो सल्फाप्रीन है, सल्फाप्रीडीन, सल्फाप्रीडीन करके एक क्या होती है ड्रग है, जिसका प्रयोग निमोनिया के उपचार में किया जाता है। सल्फर ड्रग होती क्या है? देखिए सल्फर ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिसमें सल्फर की मात्रा तो होती है, साथ ही साथ उसका प्रयोग दवाई के तौर पर किया जाता है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझो तो ये है, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन का ये क्या होती है, मिश्रण होती है। और सल्फेनामाइड ये खुद एक औषधि है, देखिए सल्फेनामाइड क्या है, खुद औषधि है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें, इसके सल्फेनामाइड से भी कई औषधियां जो है वो बनाई जाती हैं, जैसे कि अभी हम बात करें तो सल्फाप्रीडीन निमोनिया के रोग के लिए बनाई जाती है, सल्फाडाइजीन ये दमा के रोग के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए है, सल्फाग्लाइमाइड ये दमा के रोग, ये जो दमा के रोग, ये दोनों चीजें हैं, ये अस्थमा के पेशेंट के लिए दी जाती है, सल्फाडाइजीन और सल्फाग्लाइमाइड, ये दोनों रोग जो दवाइयां हैं वो अस्थमा के रोगी के लिए दी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रति अम्ल की बात करती हैं, तो देखिए यहाँ पर अति अम्ल क्या होता है, तो ये तो सभी जानते होंगे अति अम्ल क्या है, जो अम्लीयता को घटा दे, जो अम्लीयता को घटा दे, एसिडिटी बन रही है, एसिडिटी बन रही है अति अम्लीय, अर्थात जिसे 6 सेकंड में इनो काम करता है, वो क्या है? देखिए यहाँ पर जो क्या करती है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों तत्व पीएच को उदासीन कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते। अर्थात अति अम्लीय का मतलब देखिए कि कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं
जो क्या करती है कि प्रति अम्ल के तौर पर काम करती है, एंटी पेनेमल की तरह काम करती है, एंटी एसिड की तरह काम करती है। एंटी एसिड इनको कहेंगे। जो देखिए यहाँ पर एसिडिटी, एसिडिटी क्या होती है, जब हमारी आमाशय में, जब हमारे स्टमक में क्या हो जाता है, अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो ज्यादा मात्रा में स्त्रावित हो जाता है, और यही कारण है कि पीएच को कम करने के लिए देखिए कि हम क्या करते हैं, सोडा खाते हैं। और सोडा क्यों खाते हैं, बेकिंग सोडा क्यों खाते हैं, क्योंकि देखिए उसके कंटेंट को पूछ लिया जाता है कि नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है, एसीटोन होता है। SSC का क्वेश्चन है दोस्तों, ये SSC में क्वेश्चन आ चुका है, आप जानते होंगे SSC वाले ऐसे क्वेश्चन उनके फेवरेट होते हैं। परफ्यूम में एथिनॉल बेंजल एसिटेट होता है, बेंजल एसिटेट का प्रयोग किया जाता है परफ्यूम में, जबकि मॉइस्चराइजिंग क्रीम में तो हाइड्रोक्विनोन का प्रयोग किया जाता है। अब लगाओगे तो कहना हाइड्रोक्विनोन लगा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं शेविंग क्रीम में, तो बेंजल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। जो जितनी भी शेविंग क्रीम होती है इनमें बेंजल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, कपूर का प्रयोग किया जाता है और एथिनॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि शैम्पू में मैथिलीन क्लोराइड होता है। याद रखेंगे शैम्पू में क्या होता है, मैथिलीन क्लोराइड होता है। और नेल पॉलिश में तो याद रखेंगे नेल पॉलिश में क्या होता है, टालुइन होता है। नेल पॉलिश में क्या होता है, टालुइन होता है। टालुइन दो बार बोलेंगे अपने आप बन जाएगा, टालुइन होता है। वैसलीन की देखिए यहाँ पर कि आफ्टर शेविंग लोशन है ना, जो शेविंग के बाद जो लोशन वगैरह लगाते हैं उनमें क्या होता है, बेंजल एसिटेट होता है। और वैसलीन में क्या होता है, पेट्रोलियम का अंशतः प्रयोग किया जाता है, जो हमने काफी इंपॉर्टेंट है PDF आपको वैशाली दुबे PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोड जरूर याद रखें दोस्तों, कोड है मेरा वैशाली10, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से दोस्तों आप अपनी तैयारी को, ये ओल्ड प्राइजेस है जहाँ एक साल की सब्सक्रिप्शन फीस है मात्र 6,300 रुपये और दो साल की सब्सक्रिप्शन फीस है 7,560 रुपये। देखिए यहाँ पर 20 तारीख से 4 से 5 MCQ क्लास बंद है, अब MCQ क्लास मैंने बंद कर दी है और यहाँ पर अब मैं 20 तारीख से 20 अक्टूबर से ही इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रही हूँ। 5 से 6 बजे ये क्लास होगी। आप सभी दोस्तों कोड याद रखें वैशाली10 BAISHALI10। इसी के साथ साथ आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 8989920864 पर, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, 7:30 बजे वो होगी MP पॉलिटी की। जय हिंद।